राम मंदिर का प्रभाव तो पूरा देश में रहा, लेकिन राम मंदिर चुनाव मुद्दा नहीं बन सकता है। ये तो हमारे एक संघर्ष था, संघर्ष में हम लोग जीते, लोकसभा चुनाव हम हारे नहीं। तीन बार देश में प्रधानमंत्री बनने का जो एक बहुत बड़ा सम्मान है वो किसको मिला है? मोदी जी को ही मिला है। इसमें हमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में पढ़ना नहीं चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गया, सबको खुश रहना चाहिए। कल प्रधानमंत्री जी शपथ लेगा, एक नया युग का शुरुआत होगा, उसका पहले हनुमान जी फिर रामलाला। आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि बहुत बढ़िया कार्यकाल हो मोदी जी का, 5 साल में भारत का वैभव और बढ़े, हम विश्व गुरु बने। सर, जिस प्रकार से इस बार जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, ऐसे में इस बार जो चुनाव रहा, राम मंदिर कितना प्रभाव था? देखिए, राम मंदिर का प्रभाव तो पूरा देश में रहा, लेकिन राम मंदिर चुनाव मुद्दा नहीं बन सकता है। ये तो हमारे एक संघर्ष था, संघर्ष में हम लोग जीते, राम मंदिर बने, हिंदू का देश का गौरव बढ़ा, लेकिन चुनाव का साथ उनका बहुत ज्यादा रिलेशन है ये मैं नहीं मानता हूँ। चुनाव तो और बहुत ज्यादा लोकल इश्यूज रहता है, बहुत सारे कुछ होते हैं, तो चुनाव छोड़ दीजिए, लेकिन हर दिन जो जितना लोग रामलाला का दर्शन करने आ रहा है, इसी से ही आप रामलाला का प्रभाव देखिए। सर, विभिन्न राज्यों का अधिक उत्तराखंड राज्य ऐसा है जिसमें पहले चली है, तो क्या हमारा भी बातचीत चल रहा है? इस साल हमारा 1 लाख लोग रामलाला का दर्शन के लिए आएगा सरकारी खर्चा में। आप मतलब आसाम, आसाम से हमारा सरकार 1 लाख लोगों को सरकारी खर्चा में अयोध्या भेजेगा रामलाला का दर्शन के लिए। अतिथि भवन कब तक बन जाएगा? अतिथि भवन भी बन जाएगा, लेकिन फिलहाल मेरा यही है कि जितना लोगों का रामलाला का दर्शन करने का मन है, बहुत लोग आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि दर्शन खुद कर पाए, तो हम लोग थोड़ा फैसिलिटेट कर दूंगा, लोगों का दर्शन हो जाएगा। शपथ ग्रहण में यहाँ से मोदी जी के लिए क्या लेके जा रहे हैं? मैं तो कुछ ले जाने का मेरा अधिकार नहीं है, रामलाला का पास आशीर्वाद मांगूंगा, रामलाला आशीर्वाद करेगा। हमारा क्या है, हम ले जाने के लिए या दे जाने के लिए, हमारा पास क्या है? सर, लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी लगातार कई लोग हैं, कई तो देखिए नहीं आना चाहिए। देखिए, पहला बात है लोकसभा चुनाव हम हारे नहीं। 3 बार देश में प्रधानमंत्री बनने का जो एक बहुत बड़ा सम्मान है वो किसको मिला है? मोदी जी को ही मिला है, और तो किसी को नहीं मिला है। पहले नेहरू जी थे, उसका बाद किसको मिला है? मोदी जी को मिला है। नर और नारायण दोनों का आशीर्वाद बिना यह संभव होते थे क्या? तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद दोनों नहीं होने से सरकारी नहीं बनते थे। लेकिन ये एक महासमुद्र है, जैसे 542 सीट है, कभी भाग में ये सीट आएगा, दूसरा बार दूसरा सीट आएगा, तो उसमें बहुत पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। प्रधानमंत्री कौन बना वही देखना है, कभी यूपी में जीतेगा, कभी बिहार में जीतेगा, कभी दोनों स्टेट में जीतेगा। चुनाव में तो पॉलिटिक्स एक अलग बातें हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया से लेकर के लगातार ट्रोल कर रहे हैं, देखिए इसका ठीक ये ठीक नहीं है। हम कभी भी अगर कोई लोगों का ये गलत फहमी होते थे कि रामलाला और बीजेपी का संबंध खाली वोट का ही है, ये एकदम गलत फहमी है। मैं तो बोलूंगा सब लोगों की अयोध्या आइए, रामलाला का आशीर्वाद लीजिए। किस लिए? हमें 5 साल नहीं, लंबा सरकार चलाना है 50 सालों तक, तो कोई स्टेट कोई जीतेगा, कोई स्टेट कोई दिन हम लोग हारेगा, तो ये जीतना हारने वाला काम चुनाव का पहले ही सोचना चाहिए। चुनाव का बाद ये चैप्टर में डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए। सरकार बन गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा, सब मोदी जी को आशीर्वाद करे। इस बार जो लोग सपा को वोट दे रहा है, इस बार जो लोग कांग्रेस को वोट दे रहा है, अगर औरंगजेब लोगों को माइनस कर दे, अगली बार यही लोग मोदी जी को दोबारा वोट डालेगा। तो थोड़े किसी का ये है कि इस बार हमें वोट नहीं डाला तो अगली बार नहीं डालेगा।
से भारतीय जनता पार्टी का नारा था 400 पार जाएंगे, ठीक है, कहां से ऐसी कमियां रहेंगी? होते हैं कमियां, सरसा होगा, 400 पार इस बार नहीं हुआ तो कभी होगा, अगर जनता नहीं साथ है तो नहीं होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें हमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में पढ़ना नहीं चाहिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गया, सबको खुश रहना चाहिए।